बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ मशीन डिज़ाइन। सो इन प्रीवियस टू क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स। आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द phases of designs, the designs considerations, okay, the factor of safety, which is the important parameter during the design of any type of mechanical component, that you will have to properly keep the factor of safety, and also you will have to consider the reliability and liability of the products. Okay, also we have discussed the evaluation, mean different phases, specifically the evaluation and presentations of the different products which you are going to design in machine design. In today's lecture, we will discuss about the shops. And remember, shop is one of the most important mechanical component. See, jo previous two lectures the, usme humne background ya basic को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब आगे से ये जो लेक्चर्स है, इससे हमारे जो डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट हैं उनकी डिजाइनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लाइक शॉफ्ट्स हैं हमारे पास, क्लचेस होते हैं, बियरिंग्स है, ठीक है, ब्रेक्स होते हैं, पुलीज हैं। सो जो डिफरेंट और बेसिक मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी डिजाइनिंग हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट जो है वो माइंड में रखे कि बीइंग एन इंजीनियर, डिजाइनिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल ये होता है ना कि आप मार्केट से मटेरियल ले आए और वर्कशॉप चले जाए, हथौड़ा ले ले और डिफरेंट मशीनरी में आप जो है चीज को उसको मैन्युफैक्चरिंग होता है। बीइंग एन इंजीनियर हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम क्या है, हमारा डिजाइनिंग है। See, as we have discussed at the first lecture, that for example you have a problem और उस problem के लिए आपने solution को define करना है, ठीक है, कि उस problem को आप किस तरह satisfy करेंगे, उसके लिए कौन सा solution आप ला रहे हैं, तो उस solution के specifications क्या होंगे, उनके dimensions क्या होंगे, उनके solution का strength क्या होगा, उनका cost क्या होगा, material क्या होगा, कितने स्ट्रेंथ पे वो फेल हो सकता है, उसकी डिफ्लेक्शंस क्या होंगे, उन पे कौन कौन से और किस तरह फोर्सेस इफेक्ट होंगे, तो ये सारा एनालिसिस जो है इसको डिजाइनिंग कहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट थिंग प्रैक्टिकली, बट वी आर गोइंग टू डिजाइन इट, वी आर गोइंग टू एनालाइज इट, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट सुइटेबल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट इफेक्टिव एंड एफिशियंट सोल्यूशन और द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, एक नीड है सोसाइटी को, तो उसके लिए आपने बेस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, उसके एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो एक पॉइंट या और याद रखें माइंड में कि वी आर डीलिंग विद द मैकेनिकल डिजाइन। सो मैकेनिकल डिजाइन या मैकेनिकल मशीनरीज जो होते हैं या मशीन डिजाइन जो होते हैं, दे आर डीलिंग विद द सच टाइप ऑफ मशीनरीज which are dealing with the mechanical energy, okay? So again, we have three types, yeah, three setups, yeah, we have three assemblies, yeah, we have three types of the different mechanical machineries. One are those machineries jo energy ko, we can say that energy ko generate karte hai, okay, ki mechanical energy ko kis tarah aap jo hai जनरेट कर रहे हैं, किसी दूसरी फॉर्म से आप एनर्जी को कन्वर्ट कर। फॉर एग्जांपल इंजन जो होता है व्हीकल में, इंजन क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को, जो फ्यूल एनर्जी होती है ना, एक्चुअली वो केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में। सिमिलरली अगर आपके पास एक मोटर है ना, मोटर, तो मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। वो मोटर क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी मीन उसका जो आप ऑन करते हैं ना, स्विच आप लगाते हैं, तो क्या होता है, मोटर स्टार्ट हो जाता है ना, रोटेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है,
ठीक है। सिमिलरली एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, जो फैन लगा होता है ना, जो फन का है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, उसमें मोटर लगा होता है, मोटर क्या करता है, वो फैन की ब्लेड्स को रोटेट करते हैं। तो एक्चुअली दैट इज द पॉइंट वी आर मैकेनिकल एनर्जी इज जनरेटेड। सो हमने जो डिस्कस की ना कि अगर फैन है या मोटर है या अगर इंजन है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ जनरेशन। ठीक है, वो जनरेटिंग इक्विपमेंट्स है, वो जनरेटिंग मशीनरीज है। फिर एक हमारे पास इस तरह होता है कि एक पॉइंट पे आपने वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको आपने यूटिलाइज करना होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन। एक पॉइंट ऑफ जनरेशन है जहां पे मैकेनिकल एनर्जी आप जनरेट करते हैं या किसी दूसरी फॉर्म से आप उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ जनरेशन। और एक हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन होगा। सपोज अगर मैकेनिकल एनर्जी आप जनरेट करते हैं तो किस लिए जनरेट करते हैं, आपने उस एनर्जी को कहीं भी यूटिलाइज करना होगा ना, कहीं भी यूज करना होगा, किसी फंक्शन में उसको यूज करना होगा। सो वन विल बी द पॉइंट ऑफ जनरेशन, सेकंड विल बी द पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगेन अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें व्हीकल की या गाड़ी की एग्जाम्पल ले लें, तो एनर्जी कहाँ पे जनरेट होती है, इंजन में जनरेट होती है ना, वहाँ पे फ्यूल बर्न्स होते हैं और उसकी जो केमिकल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर हीट में और कन्वर्ट करके एट द एंड क्या होता है कि वहाँ पे एक शाफ्ट जो है इंजन में, जो क्रैंक शाफ्ट लगा होता है उसमें रोटेशन प्रोड्यूस्ड होता है, और वो शाफ्ट क्या कहते हैं, उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन। और एनर्जी यूटिलाइज्ड कहाँ पे होती है, व्हील में, गाड़ी में जो बैक साइड में व्हील होते हैं ना, एक्चुअली उन व्हील के जरिए वो गाड़ी क्या होती है, मूव होती है ना, वो एनर्जी इंजन में जनरेट होते हैं और व्हील में यूटिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब इंजन से व्हील तक ये एनर्जी ट्रांसफर करना, यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, मैकेनिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे टू ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन। सो दोस जो सेटअप होता है या दोस कंपोनेंट जो होते हैं या जो ये स्टेज है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। सो वंस वन वी हैव द पॉइंट ऑफ जनरेशन, सेकंड वी हैव द पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन, एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए वी विल यूज सम ट्रांसमिशन सिस्टम, वी विल यूज सम एलिमेंट्स, वी विल यूज सम इक्विपमेंट व्हिच विल ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन। क्लियर, ये तीन स्टेप्स क्लियर हो गई जिसके साथ हम डील करते हैं ना मैकेनिकल मशीनरीज में। ठीक है, आइदर आप जो है जनरेटिंग मैकेनिकल मशीनरीज के साथ डील करेंगे या यूटिलाइजेशन के साथ और या ट्रांसमिशन के साथ। तो ये जो हमारा ये जो लेक्चर है या ये जो टॉपिक है, इसमें हम जो है इस स्टेज पे होंगे दैट हाउ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन, या एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आपने मैकेनिकल एनर्जी किस तरह ट्रांसमिट करना है। सो फॉर दैट पर्पजेज वी आर यूजिंग शॉफ्ट्स, सिंपलेस्ट जो मैकेनिकल कंपोनेंट है वो शॉफ्ट है। ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आपने एनर्जी जो है उसको ट्रांसमिट करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका? यस सर। अच्छा, सो यू मे हैव सीन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉफ्ट्स जो कनेक्टेड होते हैं, पुलीज को ऑपरेट करते हैं, या इस तरह चेन्स उसके साथ लगे होते हैं। ठीक है, या गाड़ियों में जो है रेयर व्हील्स के बीच में जो है एक शॉफ्ट लगा होता है। ठीक है, सो शॉफ्ट जो है दीज आर दी मैकेनिकल रोटेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसकी डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं शॉफ्ट ये सर्कुलर सेक्शंस के होते हैं। ठीक है, एंड उसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या उसका वर्किंग क्या है, टू ट्रांसमिट द एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअली हम या हमने रोटेटरी स्पीड ट्रांसमिट करना होता है, मोशन ट्रांसमिट करना होता है, रोटरी फोर्स हमने ट्रांसमिट करना होता है, पावर हमने ट्रांसमिट करना होता है,
टारग हमने ट्रांसमिट करना होता है. सो जनरली वी कैन से दैट शॉर्ट जो है ये एक मैकेनिकल एलिमेंट है व्हिच इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट. और यूजुअली इनकी जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की भी हो सकते हैं. अब ये शॉप जो है ना ये स्क्वायर शेप का है या रेक्टेंगुलर का भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस के होते हैं. ठीक है, अब देखिए ये शॉप है ना, उसमें ये दो पुली लगे हुए हैं, दो पुलीज लगे हुए हैं. तो एक पुली जो है वो सोर्स के साथ आप कनेक्ट कर लें, पॉइंट ऑफ जनरेशन के साथ कनेक्ट कर लें, तो उसकी वजह से ये पुली स्टार्ट हो जाएगा ना, उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी ना. तो सी पावर के साथ या सोर्स के साथ ये पुली कनेक्टेड है, लेकिन ये पुली जो है ये भी रोटेशन स्टार्ट कर देगा. क्यों? पावर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम दिस पुली टू दिस पुली विद द हेल्प ऑफ द शॉफ्ट इन बिटवीन दिस टू पुलीज. सो दैट इज द शॉफ्ट, दैट इज द मैकेनिकल कंपोनेंट व्हिच इज ट्रांसमिटिंग द एनर्जी फ्रॉम दिस वन पुली टू अनदर पुली या फ्रॉम दिस वन गियर टू अनदर गियर. ये गियर्स है बेसिकली ना, एक गियर से दूसरे गियर तक जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, इन बिटवीन के दरमियान क्या लगा हुआ है? एक शॉफ्ट लगा हुआ है. ठीक है, या जो शॉफ्ट होते हैं दैट इज आल्सो प्रोवाइडिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन. ठीक है, आप लोगों ने अगर उसको देखा हुआ है क्या कहते हैं उसको उर्दू में, ये नॉर्मली जो होते हैं ना गद्दा गाड़ी जो होते हैं उसको उर्दू में क्या कहते हैं जी? गद्दा गाड़ी देखे हुए हैं? यस सर, गद्दा गाड़ी कहते हैं. गद्दा गाड़ी कहते हैं, अच्छा ठीक है. उसमें तो कोई इंजन नहीं होता ना, जस्ट उसकी जो गद्दे के साथ जो बैक साइड पे जो ट्रॉली अटैच्ड होती है ना, उसमें जस्ट क्या होते हैं, एक व्हील होता है और एक व्हील यहाँ पे होता है. तो व्हील की बीच में एक बियरिंग लगा होता है ना, नॉर्मली हम उसको पश्तो में उसको हम क्या कहते हैं, बेरंग. ठीक है, बियरिंग होता है ना, और बियरिंग के दरमियान एक एक्सेस लगा होता है, एक 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 सर्कुलर रॉड जैसा लगा होता है. तो ये व्हील्स रोटेट होते हैं ना, तो अब इसमें ये जो बीच में ये जो सर्कुलर रॉड लगा होता है इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको एक्सेस कहते हैं, या सिंपल इसको दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन. नॉर्मली अगर आप लोगों ने एक्सल का नाम सुना हुआ है, एक्सल, एक्सल क्या करते हैं, वो पावर ट्रांसमिट नहीं करते, वो जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन बिटवीन द टू व्हील्स. जिस तरह मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दी ना, ये जो गद्दा गाड़ी होती है उसकी जो शॉफ्ट्स लगे होते हैं टायर्स के दरमियान, वो शॉफ्ट्स रोटेट नहीं होते, जस्ट टायर्स रोटेट होते हैं. शॉफ्ट्स और टायर्स के दरमियान या पे बियरिंग लगा होता है ना, अगर व्हील रोटेट होते शॉफ्ट रोटेट नहीं होता. शॉफ्ट इज जस्ट वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट टू द व्हील, वो व्हील को अ काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो वो भी शॉफ्ट है. सो शॉफ्ट जो है दैट इज अगर वो सपोज रोटेट होता है ना. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पुली है, सपोज ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है, मोटर के साथ कनेक्टेड है या इंजन के साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है. तो ये पुली रोटेट होगा, इस पुली की वजह से ये शॉफ्ट रोटेट होगा और यहाँ पे ये पुली भी रोटेट होगा. तो द पावर जो है दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस वन पॉइंट टू टू पॉइंट. तो इनके दरमियान आप देखें ये पुली या सॉरी ये शॉफ्ट जो है ये रोटेट होगा, तो उसको शॉफ्ट कहते हैं. और जिस तरह हमने ये एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि बीच में ये सर्कुलर एलिमेंट जो था ये रोटेट नहीं होता, जस्ट व्हील्स रोटेट होते हैं, तो इसको एक्सल कहते हैं. ठीक है, सो शॉफ्ट इज अ मैकेनिकल कंपोनेंट व्हिच ट्रांसमिट पावर, या इट कैन आल्सो प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ रोटेशन. ठीक है, या इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू व्हील्स या सपोर्ट टू रोटेशन या सपोर्ट टू गियर्स, फुलीज और फ्लाई व्हील्स, क्रैंक्स, स्प्रॉकेट्स, डिफरेंट चीजें होती हैं कि जिसकी जिसको वो जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक, तो उस केस में शॉफ्ट क्या होगा, वो स्टेशनरी होगा, वो रोटेटेबल नहीं होगा, वो रेस्ट में होगा. ठीक है,
The type of loading can fluctuate and stress concentration or changes in section. Now, being an engineer, mostly हम इन चीजों में interested होते हैं कि suppose अगर वही है, आप again example दे ले, वो गद्दा गाड़ी है ना, तो यहाँ पे इस साइड पे एक टायर लगा हुआ है, इस साइड पे एक टायर लगा हुआ है, इनकी बीच क्या है, एक शॉफ्ट है, जस्ट एक सर्कुलर रॉड है, तो उसको हम एक्सल कहेंगे. अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोड डाल दे इसके ऊपर, तो लोड का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो उसी एक्सल पे जाएगा ना, बिकॉज व्हील को उसने सपोर्ट किया हुआ है, शॉफ्ट ने सपोर्ट किया हुआ है, एक्सल ने सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है, सिमिलरली देखें, अगर ये गियर रोटेट होता है सोर्स की वजह से, तो इसकी वजह से शॉफ्ट भी रोटेट हो, रोटेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अगर ये शॉफ्ट रोटेट होता है ना, उसमें जो है डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा, सर्कुलर प्रोटेक्शन, टॉर्क जो है डिप्लेक्शन, या उसको टॉर्जनल डिप्लेक्शन कहते हैं. अगर किसी चीज को आप इस, ये रॉड है ना, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर ले कि इसको आप रोटेट कर ले, इस तरह इसको अगर आप रोटेट करते हैं ना, तो ये जो जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, इसकी इसमें डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसमें टॉर्जन प्रोड्यूस्ड हो सकता है, इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसमें पेलेवर्स प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं. सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड ऑन दिस थिंग कि अगर शॉफ्ट है या एक्सल है, तो सी अगर शॉफ्ट है तो उससे इनर्जी ट्रांसमिट होगा, और अगर एक्सल है तो वो एज अ सपोर्ट यूज होगा. सो अगर शॉफ्ट है और वो इनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, सो अगेन इट मींस दैट कि उसके ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं ना, तो अगर किसी चीज के ऊपर आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उसमें बेंडिंग, उसमें डिप्लेक्शंस, उसमें फेलेवर्स, उसमें रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड होंगे. ठीक है, या अगर एक एक्सल है और वो लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगेन उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं. नाउ बीइंग एन इंजीनियर, हमने क्या करना है, हमने रिक्वायर्ड जॉब के लिए बेस्ट सुइटेबल डिजाइनिंग करनी है कि अगर किसी मैकेनिकल मशीनरी में एक शॉफ्ट यूज हो रहा है, तो उस पे मैक्सिममली कितना लोड अप्लाई होगा, कितने उसमें फेलेवर्स आ सकते हैं, कितना उसमें डिप्लेक्शन आ सकते हैं. ठीक है, तो हमने कौन से मटेरियल सेलेक्ट करने हैं कि वो लोड को प्रॉपरली रेजिस्ट कर सके, तो ये चीजें फिर डिजाइनिंग में आ जाती है. ठीक है, शॉफ्ट्स इज अ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मशीन एलिमेंट. इट इज अ रोटेटिंग मेंबर इन जनरल, हैज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर. ठीक है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक रॉड होता है, जस्ट हियर यू कैन सी दैट. सपोज अगर एक ये शॉफ्ट है ना, और इन बिटवीन ये शॉफ्ट है, एक ये शॉफ्ट है, सो दिस इज कॉल्ड द इनपुट शॉफ्ट, मीन द वन व्हिच इज टेकिंग पावर फ्रॉम द सोर्स. हमने डिस्कस की ना, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ जनरेशन होगा, एक पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन होगा पावर का. इन बिटवीन हमने जनरेशन पॉइंट से यूटिलाइजेशन पॉइंट तक हमने पावर ट्रांसमिट करना है. ठीक है, तो जो शॉफ्ट, अब देखिए हम सिंगल शॉफ्ट के जरिए अक्सर पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, या डिस्टेंस ज्यादा होता है, या लोड ज्यादा होता है, या उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं. सो देन वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शॉफ्ट्स. सो जो शॉफ्ट जो है वो सोर्स से पावर ले रहा है, वो इनपुट शॉफ्ट होगा. और जो शॉफ्ट जहां पे पावर यूटिलाइज्ड हो रहा है ना, उसको पावर दे रहा है, वो आउटपुट शॉफ्ट होगा. और इन बिटवीन अगर कोई शॉफ्ट है, तो उसको हम इंटरमीडिएट शॉफ्ट्स कहते हैं. ठीक है, तो अब देखें, ये इनपुट शॉफ्ट है, ये पावर के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल मोटर के साथ आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये गियर जो है ये इस डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल रोटेट हो रहा है. तो ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो जो दूसरा गियर है ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा. सिमिलरली ये भी इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो इसकी वजह से जो आउटपुट शॉफ्ट है ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा.
सो द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू विद द हेल्प ऑफ थ्री शॉप्स. सो दिस विल बी कॉल्ड द इनपुट शॉप, दिस विल बी द इंटरमीडिएट शॉप एंड दिस विल बी द आउटपुट शॉप. ठीक है. सो नॉर्मली जो शॉप्स होते हैं वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस की भी होते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं अमूमन वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं. ये देखिए इसके क्रॉस सेक्शन जो है ये सर्कुलर है, ठीक है. और शॉप जो है अगेन ये हॉलो भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं. अगेन ये देखिए ये जो शॉप है ना ये हॉलो शॉप है. अगेन दैट इज डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि कितना आपने एनर्जी ट्रांसमिट करना है, कैसी आपने ट्रांसमिट करना है, ठीक है, उसकी इम्पैक्ट क्या होगा. ऑब्वियसली जो सॉलिड शॉप है वो ज्यादा सेफ और रिलायबल होगा एज कंपेयर टू द हॉलो शॉप. लेकिन अगर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो फिर सॉलिड शॉप जो है वो एक्सपेंसिव होगा. ठीक है. तो शॉप जो है वो हॉलो भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं. सो द शॉप इज सपोर्टेड एंड बियरिंग इन रोटेटर सेट ऑफ गियर्स और पुलीज फॉर द पर्पस ऑफ पावर ट्रांसमिशन. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सम टाइम द शॉप इज यूज्ड एज अ सपोर्ट. ठीक है. द शॉप इज जनरली एक्टेड अपॉन बाय बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन एंड एक्सियल फोर्सेस. ठीक है. बेसिकली हम इन तीन चीजों के साथ डील करते हैं कि सपोज अगर एक शॉप है ना वो फॉर एग्जाम्पल इतना फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं या इतना टॉर्क वो ट्रांसमिट कर रहा है. एक्चुअली शॉप क्या करते हैं ना, ट्रांसमिटिंग कंपोनेंट है ना, जितना हमने डिस्कस की, ट्रांसमिटिंग द पावर, ट्रांसमिटिंग द टॉर्क, ट्रांसमिटिंग द फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो सपोज अगर एक शॉप है इतना फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है या इतना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसकी जो है फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है या इसका ये डायमीटर है तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उसमें कितना टॉर्जन प्रोड्यूस होगा, इसको डिजाइनिंग कहते हैं. ठीक है. या डिजाइनिंग ये है कि सपोज अगर आपने इतना पावर ट्रांसमिट करना है ना या इतना टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो कौन से मटेरियल से कितने रेडियस का शॉप चाहिए होगा, that is designing. ठीक है. सो वी विल डील विद दीज थिंग्स लेटर ऑन, कमिंग स्लाइड्स में आ रहा है. सो डिजाइन ऑफ शॉप प्राइमरी इन्वॉल्व्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेसेस एट क्रिटिकल पॉइंट इन द शॉप. एज वी हैव डिस्कस्ड कि शॉप्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं ना या फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं या फोर्स को या लोड को सपोर्ट करते हैं. तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, सपोज अगर एक शॉट है, ठीक है, इन बिटवीन द टू व्हील्स, ठीक है, दो व्हील्स के दरमियान अगर शॉट जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अक्सर अगर आप लोगों ने देखे हुए तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट टाइप का लगा होता है ऊपर, देखे हुए कि नहीं, इस तरह इसको क्या कहते हैं जी. देखिए कि नहीं. यस सर, देखिए जी, देखिए सर. सोई वर्ता पख्तू की वर्ता सोई कमाने ही वर्ता हुई जी सर. मेरी जगह ठीक है. इस तरह होते हैं ना कि सपोज अगर एक व्हील होता है यहाँ पे, एक व्हील यहाँ पे होते हैं, इनके बिटवीन एक रॉड होता है, एक शॉफ्ट होता है, एक सर्कुलर, इनकी दोनों एंड्स पे यहाँ पे वो बेंडिंग टाइप की वो मुझे उसके नेम उर्दू या क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में वो नहीं आ रहा, दोनों साइड पे वो लगे होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऊपर जहां पे हम लोड रखते हैं ना फिर. ठीक. तो इन लोड का इंपैक्ट कहां पे होगा, इन दो पॉइंट्स पे होगा जो शॉफ्ट के ऊपर जाएगा. ठीक है. सो सपोज अगर ये शॉफ्ट है
और इस पॉइंट पे लोड एग्जर्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे लोड एग्जर्ट हो रहा है, तो ये शॉप जो है इस तरह बेंड हो सकता है ना। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि अगर इसके ऊपर इतना लोड अप्लाई हो रहा है तो इसमें कितना बेंडिंग प्रोड्यूस होगा या कितनी लोड पे ये जो है ये ब्रेक हो सकता है या कितना लोड को ये रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। और अगर एक शॉफ्ट है उससे हम सर्कुलर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, सर्कुलर एनर्जी या रोटेटरी मोशन उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, टॉर्क उससे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर इस चीज ये इस तरह रोटेट हो रहे हैं ना तो इसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड होगी, उसमें टॉर्जन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, सर्कुलर डिप्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस्ड होगा। तो वो कितने टॉर्क पे कितना प्रोड्यूस होगा और कितने डिप्लेक्शन पे ये फेल हो सकता है। सो डिजाइन ऑफ शॉप जो है उसमें ये चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो है आप लोग इसकी जस्ट कॉन्सेप्ट देखे, इसके टाइप्स देखे, इसका पर्पस देखें, फिर हम वो डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, दो टाइप्स की फिर शॉप्स होते हैं बेस्ड ऑन द साइज। एक लॉन्ग होता है विच इज एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन शॉप। और एक हमारे पास मशीन शॉप होता है, ठीक है, जिसका साइज कम होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है, उसको स्पेंडल या फॉर एग्जाम्पल अगर अगर किसी ने गाड़ी का इंजन देखा हुआ है तो उसमें ये चार अब ये सिलेंडर्स है ना जिसमें फ्यूल्स बर्न होते हैं और उस फ्यूल की बर्निंग की वजह से ये पिस्टन्स जो होते हैं ये अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, ये पिस्टन्स अप एंड डाउन होते हैं और इन पिस्टन्स की वजह से या फिर ये जो रॉड है ना इसमें इस पर रोटेशन इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज एक्चुअली द पार्ट आर कंपोनेंट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसको मशीन शॉफ्ट कहते हैं। अब जब ये जो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस्ड हो जाए ना तो ये फिर दूसरी शॉफ्ट को वो एनर्जी दे देती है, वो टॉर्क दे देते हैं, तो वो फिर ट्रांसमिशन शॉफ्ट होता है। इसको मशीन शॉफ्ट कहते हैं विच इज द पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द सोर्स ऑफ पावर, और दूसरा जो है वो एक्चुअली पावर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इंजन में ये जो शॉफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, विच इज एक्चुअली टेकिंग द पावर फ्रॉम द पिस्टन। पिस्टन्स क्या करते हैं एक्चुअली, सिलेंडर्स मीन इंजन में जो फ्यूल बर्न होते हैं ना, तो ये पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, दैट इज द लीनियर मूवमेंट। तो ये लीनियर मोमेंट क्या होता है, सर्कुलर मोमेंट को कन्वर्ट हो जाता है, टॉर्क को कन्वर्ट हो जाता है, रोटरी मोशन को कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना इसको क्रैंक शाफ्ट कहते हैं, एंड एक्चुअली इट इज अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी, सो इसको मशीन शाफ्ट कहते हैं। तो ये इंजन के साथ लगा हुआ है ना। अब इससे आगे हमने एनर्जी ट्रांसमिट करना है व्हील तक, तो इसको फिर ट्रांसमिशन शॉफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। अदर देखे बेस्ड ऑन द वर्किंग, सो इफ इट इज ट्रांसमिटिंग पावर तो इसको शॉफ्ट कहते हैं। अगर ये पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहा, जस्ट एज अ सपोर्ट यूज हो रहा है इन बिटवीन द टू व्हील्स, इन बिटवीन द टू पुलीज, इन बिटवीन द टू गियर्स, उसको फिर एक्सल कहते हैं, ठीक है। सो शॉप जो होता है ये रोटेटिंग मेंबर होगा, मीन रोटेटिंग होगा ना, इट विल ट्रांसमिट द पावर, इट विल ट्रांसमिट द टॉर्क, और एक्सल जो होगा ये नॉन रोटेटिंग होगा, ठीक है। मीन शॉप विल यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क एंड इट विल ओनली सपोर्ट द व्हील्स आर पुलीज, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि जो गद्दा गाड़ी होते हैं उसके एक टायर यहाँ पे होते हैं, इस साइड पे एक टायर होता है और इसके बीच में जस्ट एक शॉफ्ट लगा होता है, एक सर्कुलर रॉड लगा होता है, वो हॉलो भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन वो जस्ट अ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उस शॉफ्ट को फिर हम एक्सल कहते हैं। अच्छा,
द वन विच इज ट्रांसमिटिंग टॉर्क, मीन अगर एक शॉफ्ट है और वो टॉर्क ट्रांसमिट करता है ना, तो मतलब ये कि वो रोटेट होगा. सो अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क एग्जर्ट होगा, उसमें टॉर्जन प्रोड्यूस होगा, उसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी. और ये जो है ये वो पावर को ट्रांसमिट नहीं कर रहा, वो ये रोटेट नहीं हो रहा, जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो जिस पॉइंट पे इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है ना, उस पॉइंट पे इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस होगी. ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल एक ये भी है, जो फ्रंट गाड़ी जो होते है ना कार, उसकी जो फ्रंट व्हील्स होते हैं, तो फ्रंट व्हील्स के दरमियान जस्ट एक एक्सल लगा होता है, वो शॉप नहीं होता, बिकॉज पावर बैक व्हील से ट्रांसमिट होता है ना. आप लोगों को पता है कि जो टू व्हील ड्राइव होते हैं, टू व्हील ड्राइव होते हैं, एक हमारे पास फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील चौथा भाई. ठीक है, टू व्हील ड्राइव में क्या होता है कि इंजन से पावर जो है, फोर बाई फोर भी कहते हैं, हाँ फोर बाई फोर जो कहते हैं. तो नॉर्मली जो हमारे पास ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, ये जो गाड़ी है, जो छोटे गाड़ियां होते हैं, वो टू व्हील्स होते हैं. इंजन से पावर जो है वो पीछे टायर्स को या पीछे व्हील्स को ट्रांसमिट होते हैं, और बैक साइड पे जो व्हील्स होते हैं ना वो गाड़ी को पुश करते हैं. आगे जो दो टायर्स होते हैं या फ्रंट व्हील्स जो होते हैं, उनको पावर ट्रांसमिट, उनके दरमियान जस्ट एक एक्सल लगा होता है और बियरिंग्स लगे होते हैं. और फोर व्हील ड्राइव जो है उसकी फ्रंट और रेयर दोनों व्हील्स को इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है. तो दोनों फ्रंट और बैक साइड की दोनों जो व्हील्स हैं, इन दो आगे और दो पीछे, चार व्हील्स एक्चुअली, लेकिन बोथ आर मीन ट्राइंग टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन दोनों में शॉफ्ट्स लगे होते हैं. ठीक है, सो मोस्टली कार्स की जो फ्रंट व्हील के दरमियान लगा होता है, दैट इज एक्सल. ठीक है, एग्जाम्पल इसका लाइन शॉप है, फिर काउंटर शॉप है, विल डिस्कस डिपेंड ऑन द यूजेजेस. वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शॉप्स, लाइन शॉप है, हेड शॉप है, सब शॉप है. इन अगेन डिजाइन सेम है. डिजाइन में हम क्या देखते हैं कि अगर एक शॉप है उस पे आप कितना लोड अप्लाई कर रहे. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्सल है तो एक्सल क्या करते हैं, वो एज अ सपोर्ट होता है ना, वो पावर ट्रांसमिट नहीं करता, वो सपोर्ट करता है. तो कितना लोड वो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे इसमें कितना बेंडिंग प्रोड्यूस होगा. ठीक है, या अगर आपने इतना लोड सपोर्ट करना है तो उसके लिए कितने रेडियस का शाफ्ट आपने सेलेक्ट करना होगा या डिजाइन करना होगा, कौन से मटेरियल से उसको बनाना होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका कास्ट क्या होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, ये डिजाइन में आ जाते हैं एक्सल के. और अगर शॉफ्ट है सो इट विल ट्रांसमिट द पावर, इट विल ट्रांसमिट द टॉर्क, इट विल ट्रांसमिट द रोटरी मोशन. तो कितना टॉर्क आपने ट्रांसमिट करना है, कितना फोर्स आपने ट्रांसमिट करना है, कितना मोशन आपने ट्रांसमिट करना है, उसके लिए आपने कितने डायमेंशंस का, कितने रेडियस का शॉफ्ट आपको चाहिए, उसका साइज क्या होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, उसका कास्ट क्या होगा. और अगर इस शॉफ्ट से आप इतना पावर या मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कितना टॉर्जन प्रोड्यूस होगा, कितना ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगा, कितना बेंडिंग प्रोड्यूस होगा, कितने स्ट्रेसेस उसमें प्रोड्यूस होंगे, ये सब चीजें आपने फाइंड करनी है. दैट इज कॉल्ड डिजाइन. क्लियर? अच्छा, now let's discuss some these types of the shops, then we will go to the designing stages. So as we have discussed ke axle jo hota hai, that is a non rotating member which just carries, yeah, which just support the wheels and which carries no torque. theek hai, axle kya hota hai, torque mark transmit jo wo transmit nahi karta, वो जस्ट सपोर्ट करता है व्हील को या पुलीस को.
ठीक है, और वो या फिक्स्ड होते हैं और या रोटेटिंग होते हैं। रिमेम्बर, बाज एक्सल जो होते हैं ना, वो जो व्हील के साथ होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके बीच में बियरिंग नहीं होता। तो अगर व्हील पर रोटेट होते हैं तो शॉफ्ट भी, सॉरी एक्सल भी रोटेट होगा। और बाज एक्सल जो होते हैं वो जो है वो फिक्स्ड होते हैं, व्हील और शॉफ्ट के दरमियान फिर बियरिंग लगा होता है। समझ आ रहा है ना? सपोज अगर एक व्हील है और एक ये व्हील है, इनके दरमियान आप जो है एक्सल लगाएं, लेकिन व्हील और एक्सल के दरमियान बियरिंग ना हो, तो फिर जब व्हील रोटेट होते हैं ना तो शॉफ्ट भी रोटेट होगा, तो उसको रोटेटिंग एक्सल कहते हैं। और एक ये होता है कि सपोज अगर हमारे पास ये व्हील है, इनके दरमियान हम वो एक्सल लगाते हैं, फिर व्हील और एक्सल के बीच में बियरिंग होता है, तो व्हील की रोटेशन से एक्सल रोटेट नहीं होगा, तो ये फिक्स्ड एक्सल होता है फिर। ठीक है, देखा है कभी आप लोगों ने कहां पे? सर ये गाड़ी में भी लगा होता है। फिक्स्ड होते हैं और एक जो है रोटेटिंग है। ठीक है, शेरियान आर यू देयर? यस सर बिल्कुल। अच्छा गुड। स्पिंडल, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ शॉफ्ट व्हिच इज सर्विंग इज एन एक्सिस दैट रिवॉल्व्स और ऑन व्हिच समथिंग रिवॉल्व्स। सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो अक्सर जो स्मॉल टॉयज से हम जो वो मोटर्स निकालते हैं, किया है कभी आप लोगों ने? छोटे मोटर्स होते हैं ना, फिर उसके ऊपर हम क्या करते थे, यहाँ पे एक पंखा टाइप का लगाता था और उसकी बैटरी से कनेक्ट करके फिर वो रोटेट होता ना, तो यहाँ पे ये छोटा सा शॉप जो लगाता है उसको स्पैंडल कहते हैं, स्पाइंडल कहते हैं, स्पैंडल कहते हैं। ठीक है, या अगर आप लोगों ने इस तरह की जो करते हैं उससे क्या कहते हैं यार उसको, इसको क्या कहते हैं जो रोटेटरी होता है ना, वो नेल के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, उसकी सुराख करते हैं दीवार में, क्या कहते हैं उसको? हाँ, ड्रिल। ड्रिल एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसमें जो वो लगा होता है उसको भी स्पैंडल कहते हैं, वो भी अ काइंड ऑफ शॉफ्ट है ना, रोटेट होता है, पावर ट्रांसमिट करता है, मोशन ट्रांसमिट करता है। और सिंपलेस्ट एग्जांपल जो नॉर्मली आप लोगों ने देखे, वो छोटा सा मोटर होता था ना टॉयज में, अक्सर हम निकाल के उसके छोटा सा उसकी जो शॉफ्ट होता है उसके साथ हम फैन अटैच कर लेते हैं ना फिर, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉफ्ट विच इज ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम इन साइड असेंबली इन टू आउटसाइड। तो उसकी ऊपर अगर आप कोई चीज लगा दे तो वो रोटेट होगा, वो रिवॉल्व होगा, सो दैट इज कॉल्ड द स्पेंडल। एक हमारे पास लाइन शॉफ्ट है, ये जो लार्ज साइज का ये लगा हुआ है बीच में, ये लाइन शॉफ्ट है। ठीक है, एक पॉइंट पे ये सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, मोटर के साथ, इंजन के साथ, जनरेटर के साथ, बेल्ट के जरिए या चेन के जरिए या डायरेक्टली मोटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये शॉफ्ट जो है उसमें रोटेशन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये पुली है ना, ये पुली जो है इसमें भी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, ये पुली में भी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर द पॉइंट्स एट विच वी आर टेकिंग द पावर फ्रॉम द शॉफ्ट, और यहाँ पे ये सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, तो ये एक लाइन है, एक लाइन शॉफ्ट है। ठीक है, मोस्टली ये लार्ज मशीनरीज में लगे होते हैं, अक्सर हमारे पास जो है एक लार्ज सोर्स होता है पावर जनरेशन का, और डिफरेंट पॉइंट पे हमने पावर को यूटिलाइज करना होता है, तो इनके बिटवीन हम एक सिंगल शॉफ्ट लगाते हैं, ये शॉफ्ट जो है ये सोर्स से पावर लेते हैं, और हर एक पॉइंट पे आपको जितना पावर रिक्वायर्ड होता है तो पुलीज के जरिए, गियर्स के जरिए, व्हील्स के जरिए, इस शॉफ्ट से उन डिफरेंट पॉइंट्स पे फिर हम पावर लेते हैं, पावर आउट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द लाइन शॉफ्ट। अच्छा, एक हमारे पास होता है हेड शॉफ्ट, शॉफ्ट ड्रिवन बाय चेन एंड माउंटेड एट द डिलीवरी एंड ऑफ अ चेन और कन्वेयर। मीन सपोज अगर एक शॉफ्ट है ना, उसके साथ अक्सर क्या होता है कि गियर लगा होता है, और गियर जो है
चेन के जरिए मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, सपोज अगर मोटर है ना, तो मोटर के साथ ये शॉफ्ट चेन के जरिए और ये शॉफ्ट के हेड के साथ गियर लगा होता है। ये जो गियर है ना, इसको गियर्स कहते हैं। सो सच शॉफ्ट इज देन कॉल्ड द हेड शॉफ्ट। ठीक है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टब शॉफ्ट है, दैट इज टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल शॉफ्ट एंड ट्रांसमिटिंग इट इनटू सब शॉफ्ट। कि अक्सर इस तरह होता है कि देखें, ये गाड़ी के एक्चुअली रियर व्हील का जो पोर्शन है, ये मेन शॉफ्ट होता है जो इंजन से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो शॉफ्ट है, ये इससे पावर लेके इन दोनों शॉफ्ट्स को पावर दे रहा है। देखिए ये और ये दो डिफरेंट शॉफ्ट्स है, ये कंटिन्यूअसली एक शॉफ्ट नहीं है। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे ना, गाड़ी के जो रियर व्हील्स होते हैं, दो व्हील्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखी हुए, जब जब गाड़ी स्लिप हो जाती है ना, तो एक व्हील रोटेट होती है, दूसरी व्हील रोटेट नहीं होती। इस तरह देखे कभी? सर ठीक है, इस तरह नहीं होता कि दोनों व्हील एट अ टाइम स्लिप हो रहे हो। अक्सर एक व्हील स्लिप होता है और दूसरा व्हील जो है वो स्लिप नहीं होता, बिकॉज उनके दरमियान एक शॉफ्ट नहीं होता, उनके शॉफ्ट डिफरेंट होते हैं। इस व्हील का शॉफ्ट डिफरेंट होता है और इस व्हील का शॉफ्ट डिफरेंट होता है। तो अब देखें, इस मेन शॉफ्ट से ये शॉफ्ट जो है, इट इज टेकिंग पावर फ्रॉम द मेन शॉफ्ट एंड ट्रांसमिटिंग इट इनटू टू इंडिविजुअल शॉफ्ट्स। सो दिस पोर्शन, ये जो शॉफ्ट है, दैट इज कॉल्ड द स्टब शॉफ्ट। ठीक है, वन इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन शॉफ्ट। सो द शॉफ्ट विच ट्रांसमिटिंग पावर टू द डिफरेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ मशीन। अगेन ये अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास एक ही शॉफ्ट आ जाता है और एक मशीन जो होता है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको पावर रिक्वायर्ड होती है। तो एक शॉफ्ट से, जिस तरह हमारे पास लाइन शॉफ्ट था ना प्रीवियसली, हमने जो डिस्कस की यहाँ पे, आप देखें ये लाइन शॉफ्ट है ना, इसको ट्रांसमिशन शॉफ्ट भी कहते हैं। इन एक शॉफ्ट है, लेकिन ये डिफरेंट मशीनरी को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी को पावर दे रहा है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन शॉफ्ट है। ठीक है, अ शॉफ्ट विच ट्रांसमिट टॉर्क या पावर टू द डिफरेंट या डिफरेंशियल या इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मशीन। अगर एक मशीन है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट को पावर चाहिए और एक शॉफ्ट से आप उसको पावर देते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसमिशन शॉफ्ट। एक हमारे पास काउंटर शाफ्ट होते हैं, विच ट्रांसमिट मोशन एंड पावर फ्रॉम अ मेन ड्राइविंग शाफ्ट टू एन इंडिविजुअल मशीन। ठीक है, सिंपलेस्ट देखें, यहाँ पे ये मोटर है ना, सो दैट इज द सोर्स, दैट इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन। या पे कोई मशीनरी आप ऑपरेट करते हैं, वो रोटेट हो रहा है, कोई रोटरी व्हील है, ठीक है, तो उसके साथ ये एक शाफ्ट कनेक्टेड होता है। तो अब देखें, ये मोटर से ये जो शॉफ्ट है ना, ये कौन सा शॉफ्ट होगा? मीन मोटर से ये बाहर की तरफ जो आया हुआ है छोटा सा, जिसके साथ ये पुली कनेक्टेड है, ये शॉफ्ट होगा। देखें, ये वाला स्पिंडल शॉफ्ट होगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट शॉफ्ट्स लगे हुए हैं ना। अब देखें, ये मोटर है, मोटर की इनसाइड असेंबली के साथ जब आप इलेक्ट्रिक पावर कनेक्ट कर लेना, तो देखें ये मोटर से, अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा हो छोटा सा, ये एक शॉप बाहर आया हुआ है, दैट इज द स्पेंडल, जिसके साथ आप पुली अटैच कर ले। ठीक है, यहाँ पे हम, ये पॉइंट ऑफ यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे पावर यूटिलाइज्ड हो रहा है, तो उसको, उसके साथ यहाँ पे एक शॉफ्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्पेंडल से इस शॉफ्ट तक ये पावर बेल्ट के जरिए ट्रांसमिट हो रहा है, और ये शॉफ्ट क्या कर रहे हैं, पावर डायरेक्टली दे रहा है किस चीज को, यूटिलाइजर को। तो इसको काउंटर शॉफ्ट कहते हैं, मीन अ शॉफ्ट विच इज ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम द सोर्स टू द यूटिलाइजर। समझ आ रहे कि नहीं? ठीक है,
मोस्ट जी इम्पोर्टेंटली सर, एक ये भी है, फ्लेक्सिबल शॉफ्ट ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स दैट आर नॉट एलाइन। जो भी ये प्रीवियसली हमने जो टाइप्स डिस्कस की ना, उससे पावर जो ट्रांसमिट होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होगा, रिजिड शॉफ्ट्स उसको कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रिजिड शॉफ्ट्स कहते हैं। वो उसमें आप बेंडिंग तो नहीं कर सकते ना। और ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल शॉफ्ट है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दू, साइकिल का ब्रेक देखा हुआ है आप लोगों ने? जी। जी सर। या बाइक में जो उसकी ब्रेक की जो वायर होती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? सही वर्ता यार, पख्तो की वर्ता सही। साइकिल ही मुने दी चले वाली बाइक ना जी, थार सर, तार वर्ता वही सर तार वर्त वाई नो चे दो क्लच तार श्ले दले ते याद ब्रेक सर, तो ब्रेक ब्रेक। रसाई। यस सर। एग्जैक्टली ब्रेक रसाई वर्ता वही पख्तो के। देख आप लोगों ने देखा भी होगा ना, टायर के साथ टायर के जो जी सर। ब्रेक्स लगे होते हैं ना, दो बुशेस लगे होते हैं एक्चुअली साइकिल के। हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेना ना, तो साइकिल की एक साइड पे बुशेस लगे होते हैं ठीक है, और ऊपर जो हैंडल लगा होता है ना, तो इन बुशेस और हैंडल के दरमियान अगर आप लोग देखें एक फ्लेक्सिबल वायर लगा होता है, एक फ्लेक्सिबल रूप लगा होता है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल शॉप। और एक्चुअली वो क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं ना, वो हैंडल से व्हील तक पावर ट्रांसमिट करते हैं ठीक है। जब आप हैंडल को प्रेस करते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो वायर होता है या रूप होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुशेस हैं वो इन कांटेक्ट आ जाती है व्हील के साथ, तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से व्हील स्टॉप हो जाती है। सो एक्चुअली दैट इज अ काइंड ऑफ शॉफ्ट व्हिच इज ट्रांसमिटिंग द पावर, व्हिच इज ट्रांसमिटिंग द फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ये कौन सा है, लीनियर है या रोटेटरी है? लीनियर पावर ट्रांसमिट करता है या रोटेटरी? जी सर रोटेटरी लीनियर यार, सर। चल यार साइकिल चलाया कभी अपने बाइक? यस सर, सॉरी सर, मैं ये जो यहाँ पे है इसकी बात कर रहा था, जो ड्रिल है हमारे पास। माना ड्रिल को छोड़ो, मैं साइकिल की उसकी वो ब्रेक की बात कर रहा हूँ, रूप की। तो उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो लीनियरली एक्सटेंड होता है ठीक है। तो आप ये भी याद यस सर, रखें कि बिल्कुल शॉप जो है ये सिर्फ रोटेटरी पावर ट्रांसमिट नहीं करता, इस पे इस तरह भी फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, वो एक्सटेंड भी हो सकते हैं, कंप्रेस भी हो सकते हैं, उससे आप रोटरी पावर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये ड्रिल भी आप देखें ना, एक्चुअली इसमें भी वो क्या लगा हुआ है, एक्चुअली फ्लेक्सिबल शॉफ्ट लगा हुआ है, वो रोटेट होता है और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप बेंड कर सकते हैं ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबल शॉफ्ट है दे ट्रांसमिट द रोटरी मोशन इन एनी वी कैन से दैट डायरेक्शन, इफ इट इज नॉट, इफ द टू पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है। सो फ्लेक्सिबल शॉफ्ट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग रोटरी मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट फिक्स्ड रिलेटिव टू वन अनदर। एक तो इस तरह होता है कि दो पॉइंट है वो फिक्स हो ना, तो उसके दरमियान आप रिजिड शॉफ्ट लगा सकते, लेकिन फ्लेक्सिबल शॉफ्ट जो है ट्रांसमिटिंग द पावर बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर नॉट फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर। सो फ्लेक्सिबल शॉफ्ट इज नथिंग, जस्ट दैट इज अ वायर रूफ और अ कॉइल लाइक दिस वन ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी कि जो बाइक्स में या साइकिल्स में जो ब्रेक्स लगे होते हैं, ब्रेक्स वायर्स जो है, दैट इज सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लेक्सिबल शॉफ्ट ठीक है। अच्छा, एंड अक्सर क्या होता है कि एक तो मेन शॉफ्ट है उसकी ऊपर अक्सर कवरिंग होती है, सो दैट इज कॉल्ड द कोर ठीक है, जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पजेस। या यहाँ पे आप जो ड्रिल वाले देखे ना, इसके ऊपर ये ब्लैक लाइन का कवर लगा हुआ है, एक्चुअली शॉफ्ट इसके अंदर है, वो रोटेट होगा लेकिन सेफ्टी के लिए और प्रॉपरली उसको कवर करने के लिए जो इस पे कोर कोर लगा होता है ठीक है, प्रोटेक्टिव आउटर उसमें लगा होता है।
सॉरी इनसाइड जो है उसको कोर कहते हैं, जो मेन शॉफ्ट है, और आउटसाइड उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव केसिंग होती है, ठीक है। अगेन उसकी दो मेन टाइप्स हैं, पावर ड्राइव शाफ्ट है पर ट्रांसमिटिंग पावर इन सिंगल डायरेक्शन, और एक जो है मैनुअल कंट्रोल शाफ्ट्स होते हैं जो पावर को एनी डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब यह है कि सपोज अगर एक फ्लेक्सिबल शॉप है ना, वो इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, वो बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ पावर वो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसकी एडवांटेजेस फिर ये हैं कि एलिमिनेट्स द अलाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब ये कि सपोज अगर यहाँ पे एक रूम है, रूम एक यहाँ पे, आपने पावर यहाँ पे यूटिलाइज करना है और पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो अगर आप रिजिड शॉफ्ट्स डिजाइन करते हैं ना, तो एक शॉफ्ट्स आप इस तरह डिजाइन करेंगे, फिर एक शॉफ्ट इस तरह डिजाइन करेंगे, फिर एक शॉफ्ट इस तरह डिजाइन करेंगे, तो इनके दरमियान यहाँ पे जॉइंट्स होंगे, कपलिंग्स होंगी, उनके दरमियान डिफरेंट नट्स एंड बोल्ट्स आएंगे, पावर लॉसेज हो सकते हैं, फ्रिक्शन हो सकते हैं, पलेवर्स हो सकते हैं, कास्ट भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली अगर एक फ्लेक्सिबल शॉफ्ट आप लगाए तो पावर एक सिंगल शॉफ्ट के जरिए ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल शॉफ्ट क्या करते हैं, इलिमिनेट्स द अलाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द सोर्स एंड यूटिलाइजर्स आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, आर नॉट इन अलाइनमेंट, सो देन यू कैन यूज द फ्लेक्सिबल शॉफ्ट। ऑल्सो इट ग्रेटर डिजाइन फ्रीडम, ठीक है। मीन किसी भी जगह पे अक्सर इस तरह होता है कि अगर एक जगह पे आपने पावर को यूटिलाइज करना है ना, अगर आप फ्लेक्सिबल शॉप नहीं है तो फिर मोटर को आपने एग्जैक्टली अलाइन रखना होगा। अब अगर सपोज स्पेस आपको अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करेंगे। सो द फ्लेक्सिबल शॉप अगर आप यूज कर रहे हैं तो मोटर को या ड्राइवर को या सोर्स को किसी भी जगह पे आप पोजीशन कर सकते हैं, बिकॉज द पावर कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल शॉप्स। इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है as compared to the rigid shops, 90 to 95% उसकी efficiency होती है, ठीक है। large upset, upset मतलब ये है कि suppose अगर आप एक rigid shop है ना, उससे आप इस direction में power transmit करते हैं, फिर power को आप 90 degree में, मतलब ये है कि source यहाँ पे है, utilizer यहाँ पे है, यहाँ पे कोई obstruction है, तो पहले power को आपने इस direction में transmit करना होगा, फिर आपने उसको 90 डिग्री में ट्रांसमिट करना होगा, या फिर कोई अगेन कोई अरेंजमेंट्स करना होगा, या फिर कोई शॉप्स लगाने होंगे, ठीक है, कि पावर जो है 90 डिग्री में डाइवर्ट हो जाए। तो अगर इस तरह आप रिजिड शॉप से करते हैं तो 40-50% इसमें लॉसेस आ जाते हैं, और अगर आप फ्लेक्सिबल शॉप यूज करें तो फ्लेक्सिबल शॉप को डायरेक्टली आप 180 डिग्री पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं यू शेप में without loss in the power transmission, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। इसका वेट भी कम होता है और पावर भी ज्यादा आप उससे ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखें, हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सिबल शॉप्स, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ये ड्रिल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और आपने इसको यहाँ पे पावर यूज करना है, तो देखिए किस तरह इसको बेंड कर दिया गया है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट जो है आप उसके साथ कनेक्ट कर ले, ड्रिल के साथ कनेक्ट कर ले, और यहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हैं, तो देखिए 180 डिग्री पे आप उसको बेंड कर सकते हैं। तो स्मॉल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, मूवेबल भी है, ट्रांसपोर्टेबल है, ठीक है, लॉसेस भी उसकी कम है, इफिशियंट कम है। लेकिन देखिए ये लार्ज इंस्टॉलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते ना, सपोज अगर गाड़ी है या लार्ज इंस्टॉलेशन है, इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। बट जिस आप ये रखें कि माइंड में कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शॉप, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसका कम होता है, रिड्यूस्ड पार्ट कॉस्ट, ऑपरेटेड फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड, नॉइस भी कम होती है, ठीक है। तो ये उसकी एडवांटेजेस है। एयरक्राफ्ट्स में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल्स में, मेडिकल सर्जिकल में, मोस्टली अगर आप देखें जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट उनकी पास भी वो जो करते हैं ना ड्रिलिंग करती है अक्सर टीथ की, तो वो भी फ्लेक्सिबल शॉप्स होते हैं,
We can say that in any types of equipments, from aircrafts to ties, flexible shops lage hote hain. Lekin har jagah pe aap fir flexible shop use nahi kar sakte. Remember, flexible shop jo hote hain, wo uski speed zyada hoti hai, lekin wo power transmit nahi karte zyada. Ab agar aapne bahut zyada heavy power transmit karna hai, to fir aap flexible shop use nahi kar sakte. Theek hai? These are also the different installations of the flexible shops. Ki agar source ek jagah pe hai aur utilizer dusri jagah pe hai, beech mein agar koi ab dekhen obstruction aa raha hai, to any direction mein aap usko bend kar sakte hain. Clear ho gaya different types of shops? Yes sir. Yes. Now, as we have discussed that yes, sir. We are mainly interested in the designing or selection of the best suitable and efficient shop for our requirement. So, as we have discussed the different types of shops, so basically the functions transmitting the power, sorry, the shop transmitting power. ठीक है, power या torque दोनों same चीज हैं. अगर एक shop है ना, वो rotate हो रहा है. तो एक्चुअली क्या करते हैं, रोटरी पावर ट्रांसमिट कर रही है, रोटरी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है या टार्क ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, एक हमारे पास एक फोर्स होता है और एक टार्क है. ठीक है, तो फोर्स जो है ये हम लीनियर अप्लायर कंसिडर करते हैं और टार्क जो है ये रोटरी अप्लायर होता है. ठीक है, सो एक्चुअली एक शाफ्ट अगर रोटेट हो रहा है तो वी कैन से दैट टार्क इज ट्रांसमिटेड. और अगर टार्क ट्रांसमिट हो जाए तो इट मींस दैट एनर्जी ट्रांसमिट हो गई. बिकॉज अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर आप पावर अप्लाई कर रहे हैं. सो सिमिलरली अगर एक शॉप रोटेट हो रहे हैं, तो अगर हम टार्क की बात करते हैं या इनर्जी की बात करते हैं या पावर की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं, तो ये सिमिलर चीजें हैं. वी कैन से दैट अ शॉप इज ट्रांसमिटिंग टार्क, या शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग एनर्जी, शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग पावर, शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग फोर्स. सो दीज आर द फंक्शंस. शाफ्ट्स लोकेट मेंबर्स सच एज गियर्स एंड पुलीज इन देयर करेक्ट रिलेटिव पोजीशन. ये भी उसका फंक्शन होता है जो एक्सेल हमने डिस्कस किया ना. ठीक है, कि जो शाफ्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्हील को या गियर्स को या पुलीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या उनको अपनी फिक्स पोजीशन में भी रखते हैं. जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आप शॉप से पावर ट्रांसमिट करें. ठीक है, अच्छा. इंटरमीडिएट शॉप्स आर शोन अब द डबल रिडक्शन गियर ट्रेन ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन गियर टू द अदर. जिस तरह हमने प्रीवियसली भी एक स्लाइड में डिस्कस की इस चीज को, कि ये शॉप जो है ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है, मोटर के साथ कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल. तो ये रेड शॉप रोटेट हो रहे हैं तो ये गियर इस तरह रोटेट होगा. नाउ सोर्स यूटिलाइजेशन जो है हमारा यहां पे है, तो बीच में वी हैव टू इंस्टॉल द इंटरमीडिएट शॉप्स. या इस तरह भी कर सकते हैं ना, कि अगर स्पीड को आपने चेंज करना है, सो सी अगर ये शॉप सोर्स के साथ कनेक्टेड है और ये गियर इस तरह रोटेट हो रहा है, तो यहां पे अगर आप एक स्मॉल गियर अटैच कर ले, इसका डायमीटर फॉर एग्जांपल इसके हाफ हो, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो बीच में हम इंटरमीडिएट शॉप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जस्ट टू ट्रांसमिट द पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जस्ट टू मेक वेरिएशन इन द स्पीड्स. ठीक है, अगर गाड़ी की गियर जब हम चेंज कर देना, अगर आप लोगों में किसी को उसकी ड्राइविंग स्किल्स हैं, तो ये सब्जेक्ट उसके लिए बहुत इजी होगा. गाड़ी की जब गियर चेंज करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि इंजन के साथ जो शॉफ्ट कनेक्ट होता है ना, उसकी गियर के साथ हम स्मॉल गियर वाला शॉफ्ट कनेक्ट कर लेते हैं, तो आउटर शॉफ्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. एंड रिमेंबर, जब आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो पावर डिक्रीज होता है. ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे ना, कि जब आप स्लोप पे जाते हैं, सपोज स्लोप पे आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो हम स्पीड क्या करते हैं,
स्पीड रिड्यूस्ड कर लेते हैं, गाड़ी जो होते हैं वो फर्स्ट गियर में होता है या सेकंड गियर में होता है, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड गियर में पावर ज्यादा होता है, स्पीड कम होती है। और अगर आप सपोज प्लेन एरिया पे जा रहे हैं, ठीक है, मोटरवे पे जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, गाड़ी को फोर्थ गियर में रख देते हैं, फिफ्थ गियर में रख देते हैं, तो उसमें फिर पावर कम होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो शॉफ्ट्स का एक ये भी फंक्शन है कि इट कैन वेरिएट द स्पीड, इट कैन वेरिएट द पावर बाय कनेक्टिंग टू आर मोर डिफरेंट शॉफ्ट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट गियर्स। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ आ जाए आप। जो डिजाइनिंग में हम इंटरेस्टेड होते हैं, सो शॉफ्ट इज जनरली एक्टेड अपॉन बाय बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग डिफ्लेक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल एलिमेंट आर मोमेंट अप्लाइड टू द एलिमेंट काजिंग द एलिमेंट टू बेंड। देखें, सी सपोज अगर एक शॉफ्ट है, ठीक है, सर्कुलर शॉफ्ट है, एक पॉइंट पे इसके ऊपर सपोज लोड अप्लाई हो रहा है, ऊपर की तरफ से इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये शॉफ्ट बेंड हो जाएगा ना लोड की वजह से, ये इस तरह हो जाएगा। सपोज अगर ईंट्स जो हैं, ईंट्स उसके फिक्स्ड हैं व्हील्स के साथ या किसी भी पुलीज के साथ फिक्स हैं, और यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट उसका लाइन अप एक्सेस ये था, अब ये एक्सेस जो है इस तरह हो जाएगा, तो इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दी बेंडिंग। ठीक है, या दैट इज कॉल्ड दी बेंडिंग डिप्लेक्शन। और ये सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ, सो इट इज इक्वल टू फोर्स या द लोड विच इज एक्टिंग ऑन द शॉफ्ट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्यूब, मीन दैट इज लेंथ ऑफ द शॉफ्ट डिवाइड बाय, सॉरी, डिवाइड बाय 44 20 1 2 3 4 0s 1 2 3 4 d पावर 4। ठीक है, इतना डिप्लेक्शन होता है। सपोज अगर आपके पास एक शॉफ्ट है, उसकी डायमीटर d इंचेस है, इंचेस में है, इसका लेंथ जो है वो इतना है, और उसके ऊपर इतना लोड अप्लाई हो रहा है, दैट इज इन फाउंड, तो इसमें कितना डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है, दैट इज इक्वल टू एफ एल क्यूब डिवाइड बाय 44 20,000, 44,20,000 डी टू द पावर 4। ठीक है, तो शॉप में इतना डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है, और अलाउबल डिप्लेक्शन कितना है। ठीक है, मीन अब अगर आपके पास एक शॉफ्ट है ना, तो उसकी ऊपर आप मैक्सिममली कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, तो इतना लोड हम अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें इतना डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाए, 1/13,000। ठीक है, अब देखिए अगर एक शॉफ्ट है ना, उसमें इससे ज्यादा डिप्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाए वो फेल होगा। तो ये पॉइंट माइंड में रखे। ठीक है, इसके ये जो है ये डिजाइनिंग पैरामीटर्स हैं। जब भी आप किसी शॉप्स के साथ या एक्सल के साथ डील करते हैं कि सपोज वो कितने लोड पे फेल होगा, तो उसका डायमीटर कितना है, उसका लेंथ कितना है, ठीक है, और अगर उस पे इतना लोड अप्लाई हो रहा है तो कितना डिप्लेक्शन उसमें प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो आप अगर उसको लोड ज्यादा है, फेलियर के चांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे, डायमीटर को इंक्रीज कर ले, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, के डायमीटर को आप इंक्रीज कर ले तो डिप्लेक्शन कम प्रोड्यूस्ड होगा, या लेंथ को कम कर ले, या अप्लाइड लोड को कम कर ले, तो ये फिर उसके सोल्यूशन है। क्लियर?
जी सर, अच्छा, नेक्स्ट क्लियर जो है दैट इज द टॉर्जन, ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं ना, सिंपल एक स्क्रू ड्राइव है, स्क्रू ड्राइव से जब आप किसी स्क्रू को सपोज टाइट करते हैं या सपोज किसी स्क्रू को आप लूजन करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर रोटरी मोशन अप्लाई करना है ना, स्क्रू ड्राइव को इस तरह रोटेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप पावर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे पावर यूटिलाइज हो रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पावर कैसे ट्रांसमिट होगा, विद द हेल्प ऑफ द शॉफ्ट। ये भी एक शॉफ्ट है ना, सिंपलेस्ट शॉफ्ट है, ठीक है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है यस सर, जो बिल्कुल पावर को ट्रांसमिट कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। कौन सा पावर ट्रांसमिट कर रहा है, रोटरी पावर, टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब देखें, अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं प्रैक्टिकली, अक्सर ये जो स्क्रूज होते हैं बहुत टाइट होते हैं ना, और आप स्क्रू ड्राइव से उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर क्या हो जाता है, ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू ड्राइव जो है, ये टूट जाता है, या उसकी ये जो शॉफ्ट है ना, ये जो किसी आयरन या स्टील या एलाई मटेरियल से बना हुआ है, इसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ये ट्विस्ट हो जाता है, इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस्ड हो जाती है, ये टेढ़ा हो जाता है इस तरह, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन। या इससे अगर आप जो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखे हुए हैं या प्रैक्टिकली किए हुए होंगे, आप स्क्रू ड्राइव को टाइट करते हैं तो वो पर्दरली फिर टाइट नहीं होता, जब वो एक लिमिट पे चला जाता है ना, तो वो फिर पर्दरली टाइट नहीं होता, तो ये इन फिक्स्ड होता है, और यहां पे आप टारगेट अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या हो जाता है, इस चीज में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, समझ आ रहे हैं ना। देखें सपोज अगर ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट है, आप यहां से इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लें, एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लें, और इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, अब स्क्रू ड्राइव जो पर्दली टाइट नहीं हो रहा और आप यहां से उसके ऊपर टार्ग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है ये यहां पे आ जाएगा, समझ आ रहा है, मीन ये चीज इस तरह रोटेट हो जाएगा, इसका ये पोर्शन जो है ना ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं स्क्रू ड्राइव का। अब आप देखिए अगर हमारे पास एक सॉलिड शॉफ्ट है, उसका एक इंड फिक्स्ड है, और इस इंड पे आप टार्ग अप्लाई कर रहे, तो उसमें ये ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो आप देखें ये पॉइंट इनिशियली इस जगह पे था ना, सपोज दैट इज द सेंटर पॉइंट, अब ट्विस्टिंग की वजह से, टार्ग की वजह से ये यहां पे आ गया, तो कितने एंगल पे ये ट्विस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन। इसको ट्विस्टिंग कहते हैं या इसको टॉर्जन कहते हैं, और ये इफेक्ट होता है किस चीज का, टार्क का, मीन अगर आप शॉफ्ट के ऊपर टार्क अप्लाई कर रहे हैं या टार्क उस से ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो शॉफ्ट में ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड होगी ड्यू टू दी अप्लाइड टार्क, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग या द इफेक्ट ऑफ टॉर्जनल लोडिंग टू अलॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर मेंबर, और ये बराबर होते हैं टी एल डिवाइड बाय जी जे। थीटा क्या है, दैट इज दैट ट्विस्टिंग या दैट टॉर्जन, ये रेडियन में होगा, ठीक है, रेडियन में। ये कैपिटल टी क्या है, ये टॉर्ग है, कि कितना टॉर्ग आप अप्लाई कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो इसका रेडियस कितना है और कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मीन आर क्रॉस एफ के बराबर होते हैं ना टॉर्ग, ठीक है, दैट विल बी वी कैन से दैट न्यूटन न्यूटन मीटर होता है, यूनिट उसका कुछ होगा, न्यूटन मिलीमीटर होगा। एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द शॉफ्ट, जी क्या है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिस मटेरियल से ये चीज बना हुआ है, ये शॉफ्ट बना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो अगर ये मटेरियल ज्यादा रिजिड हो और आप यहाँ पे टॉर्क अप्लाई कर रहे, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये, और अगर इसकी रिजिडिटी
ये सॉफ्ट टाइप का है, तो फिर ये ट्विस्ट होगा, दोबारा वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, इलास्टिसिटी अगर इसमें ज्यादा है, ठीक है। सो जी जो है दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जे जो है दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन एक हमारे पास एक सिंपल इनर्शिया होती है ना, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लें, सो द बॉडी विल टेंड टू रिमेन इन रेस्ट, या अगर एक बॉडी मोशन में है और आप उसको स्टॉप कर लें, सो द बॉडी विल टेंड टू रिमेन इन मोशन, उसको इनर्शिया कहते हैं। जे जो है दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द टॉर्क, मीन अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो द एबिलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द अप्लाइड टॉर्क दैट इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जे जो है सॉलिड शॉफ्ट के लिए, सॉलिड शॉफ्ट के लिए ये क्या होते हैं, पाई आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2, इसके बराबर होता है, ठीक है, या पाई डी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 32। मीन अगर सॉलिड शॉफ्ट है, हॉलो नहीं है, तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, मीन द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टॉर्क, टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसके ऊपर, तो उसकी एबिलिटी क्या होती है कि उसको रेजिस्ट कर ले, दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड सिमिलरली फॉर हॉलो, अगर हॉलो शॉफ्ट है तो उसकी दो रेडियसेस होंगे, सो देन इट विल बी पाई द आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस डिवाइड बाय 2, ठीक है, या पाई द आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर टू द पावर 4 डिवाइड बाय 32, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पर हॉलो शॉफ्ट, और ये जो है पर सॉलिड शॉफ्ट, एंड दिस इज द ट्विस्टिंग व्हिच कैन बी प्रोड्यूस। सो नाउ हमारा काम क्या है इसमें, हमारा काम ये है कि सपोज अगर एक शॉफ्ट है, उसके ऊपर आप इनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो रोटेटरी मोशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब ये कि उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, उसका लेंथ कितना है, किस मटेरियल से बना हुआ है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो कितना टॉर्जन उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, परमानेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मटेरियल ब्रेक को भी हो सकता है, तो ये चीजें आपने फाइंड करनी है फिर, ठीक है। एक्सियल फोर्सेस भी है, हमने डिस्कस की ना कि जो साइकिल या बाइक की जो वो होते हैं ब्रेक वायर या ब्रेक का जो रूप होता है ना, तो उस पे हम क्या करते हैं, उस पे इस तरह एक्सियल लोड अप्लाई होता है, लीनियर लोड उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सो फिर आपने क्या फाइंड करने, स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो ये उस केस में है व्हेन देयर इज एक्सियल लोड अप्लाइड, एक्सियल मीन लोड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ठीक है। सो फिर लोड एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसमें कितने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, कितना उसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो सकता है, कितना कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अगर लोड जो है, इतना लोड आप अप्लाई कर ले, इतना लोड आप अप्लाई कर ले, इतना लोड आप अप्लाई कर ले कि वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, ब्रेक, ठीक है। यस सर। अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड रिजिडिटी है, स्लाइड्स आई थिंक कम है, खत्म कर लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन एंड रिजिडिटी है, रिजल्टिंग फ्रॉम साइड लोड इन द रोटेटिंग शॉफ्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉफ्ट अंडर अ लोड, ठीक है। ये चीज देखे ना, ये टॉर्जन की वजह से आ जाता है कि अगर एक जगह फिक्स है और दूसरी जगह पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसमें इस तरह ट्विस्टिंग प्रोड्यूस्ड होगी, इसको टॉर्जन कहते हैं, ठीक है। एक
दी साइड लोड एंड द रोटेटिंग शॉप, ठीक है। अक्सर इस तरह होते हैं ना कि जिस तरह हमने डिस्कस की कि सपोज अगर एक शॉप है इन बिटवीन द टू व्हील्स और ये शॉप रोटेट हो रहा है और उसके ऊपर सपोज साइड से लोड भी अप्लाई हो रहे हैं, तो ये शॉप क्या करता है, ये व्हील से निकल सकता है, डिस्प्लेस्ड हो सकता है। सो देट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेलेवर, ये भी आपने कंसिडर करना है। लेटरल या लीनियर डिफ्लेक्शन होता है ना कि अगर ये शॉप जो है व्हील से आगे आ जाए या व्हील को छोड़ के बैक साइड चले जाए, आप लोगों ने अगर देखा हुआ है ना अक्सर व्हील से शॉप निकल जाता है, दैट इज द लीनियर या लेटरल डिफ्लेक्शन। और एक बेंडिंग डिफ्लेक्शन होता है ना जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की कि सपोज अगर ये एक शॉप है इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहे हैं तो ये इस तरह बेंड होगा, सो दैट इज द बेंडिंग डिफ्लेक्शन। और अगर एक शॉप जो है वो व्हील से पुली से या गियर से डिस्प्लेस हो जाए तो वो लेटरल डिफ्लेक्शन होता है। और एक टॉर्जनल डिफ्लेक्शन है जो ट्विस्टिंग है ना, थीटा इज इक्वल टू टी एल डिवाइड बाय जी जे, ठीक है। एक शियर डिफ्लेक्शन है, शियर डिफ्लेक्शन मीन एक शॉप जो है इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस्ड होंगे। अगेन देखें, अगर एक शॉप है ना सॉलिड शॉप है, सो ये इसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं ना, लेयर्स होते हैं। अब अगर इसकी सरफेस पे इस तरह टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो टॉप लेयर सेकंड लेयर के साथ इसकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, ठीक है ना, वो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे। लेयर वाइज स्ट्रेसेस जो होते हैं उसको शियर स्ट्रेसेस कहते हैं। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं एक शॉफ्ट में ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ टी टॉर्क, दैट इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाय जे। अगेन टी इज द टॉर्क व्हिच यू आर ट्रांसमिटिंग थ्रू अ शॉफ्ट और इज द रेडियस, और जे जो है दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका यूनिट फो एम्पोर होता है, ठीक है। रेडियस जो इसका यूनिट सपोज मीटर में, टॉर्क जो है ये न्यूटन मीटर में होगा। सो शियर स्ट्रेसेस जो होते हैं वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में होते हैं। यूनिट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि फिर आप लोगों को कैलकुलेशन में मसला ना हो, ठीक है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं किसी शॉर्ट में थ्रू विच यू आर ट्रांसमिटिंग द टॉर्क, दैट इज टी आर डिवाइड बाई जे। टी इज टॉर्क, आर इज रेडियस एंड जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्जी। एंड अगेन ये सॉलिड शॉफ्ट के लिए, अगर शॉफ्ट हॉलो हो तो फिर टी आर माइनस आर डिवाइड बाय जे। एंड रिमेम्बर सेंटर पॉइंट पे रेडियस क्या होता है जी, सेंटर पॉइंट पे रेडियस क्या होता है, जीरो। जीरो। तो सेंटर पॉइंट पे शियर स्ट्रेसेस क्या होंगे, जीरो, ठीक है। ये आज जो हमने डिस्कस किए ना ये बेसिक इक्वेशंस, जो टॉर्जनल इक्वेशन है इसको हम डिराइव भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बेंडिंग इक्वेशन, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, ये जो कॉन्सेप्ट है बिटवीन द हॉलो शॉप एंड सॉलिड शॉप, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज है, ये आप माइंड में रखे हैं। सी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मशीन डिजाइन के लिए आप लोगों को मैकेनिक्स की, ड्राइंग की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं, इसको आप लोगों को इसका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। सो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस या मैक्सिमम शेयर डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस्ड हो सकता है शॉप में ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ टी टॉर्क हैविंग रेडियस आर एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और इसकी बेस पे हम भी फिर डिजाइन भी कर सकते हैं। देखें सपोज अगर आपने इतना पावर ट्रांसमिट करना है, मैक्सिममली इतना टॉर्क आपने ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो सपोज अगर आप एक मटेरियल से शॉप बना रहे हैं तो हर मटेरियल का मैक्सिमम उसकी शियर स्ट्रेसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन शाफ्ट बना रहे हैं ना,
तो आयरन शाफ्ट में मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेसेस कितने हैं? दिस मच। और आपने कितना टॉर्क ट्रांसमिट करना है? इतना ट्रांसमिट करना है। तो कितने डायमीटर का शाफ्ट आपको रिक्वायर्ड होगा? सो डायमीटर विल बी इक्वल टू 1.72 इनटू टी मैक्सिमम डिवाइड बाय टा मैक्सिमम। समझ आ रहे हैं ना कि आपको कितने डायमीटर का शाफ्ट चाहिए कि आप उससे इतना टॉर्क या इतना एनर्जी ट्रांसमिट कर सके? अगर उसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ या मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेसेस इतने हो, और एक एक कंपोनेंट की या एक शाफ्ट की मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस कितने होते हैं, उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 2 times ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेंथ जानते हैं आप लोग? व्हाट इज यील्ड स्ट्रेंथ? जी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? जी हुक्स ला पड़ा हुआ है। सर यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? सर इट इज द फोर्स व्हिच मटेरियल कैन होल्ड विदाउट बीइंग बेंट। सी मीन एक मटेरियल मैक्सिममली जितना लोड बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कितना रखना चाहते हैं, इन जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। सो एक मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ कितना है और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रख रहे हैं, तो मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस कितना होगा? ठीक है, सो इफ दिस इज द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस एंड दिस इज द टॉर्क व्हिच यू वांट टू ट्रांसमिट, तो उसके लिए कितने डायमीटर का शाफ्ट चाहिए? एंड दिस इज डिजाइन। ठीक है, अच्छा, स्लोप और बियरिंग एंड शाफ्ट सपोर्टेड एलिमेंट्स। अगेन एक तो हमारे पास मेन शाफ्ट होते हैं ना, एक उनके पास उनके साथ जो है फिर सपोर्टेड एलिमेंट्स होते हैं। जस्ट एक शाफ्ट तो नहीं होता ना, उसके साथ बियरिंग्स होते हैं, फिर व्हील्स होते हैं या पुलीज होते हैं, गियर्स होते हैं जो पावर को लेके सोर्स से पावर लेके शाफ्ट के जरिए ट्रांसमिट करके फिर आपने यूटिलाइजर को देना होता है। सो हमारे पास बियरिंग्स होते हैं, पुलीज होते हैं, सपोर्टेड एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ट्विस्ट ऑफ 1 radian पर यूनिट लेंथ ऑफ शाफ्ट दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी। सपोज अगर आपके पास एक शाफ्ट है ना, ठीक है, नाउ सपोज इसका लेंथ कितना है, या फॉर एग्जाम्पल या ये शाफ्ट है आपके पास 1 meter का, इस शाफ्ट में 1 radian का ट्विस्ट कितने टॉर्क से प्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। समझ आ रहा है? मीन अगर 1 unit लेंथ का शाफ्ट है ना 1 meter का, तो उसमें 1 radian ट्विस्ट कितने टॉर्क से प्रोड्यूस्ड होगा, उसको रिजिडिटी कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है वो सपोज आयरन से बना हुआ है और उसमें उसके 1 meter में 1 radian ट्विस्ट जो है 500 Nm टॉर्क के एप्लीकेशन से प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, सो दिस 500 Nm विल बी द रिजिडिटी ऑफ दैट शाफ्ट। अब सपोज अगर एक स्टील है, स्टील शाफ्ट है ना, स्टील से बना हुआ है, 1 meter उसका लेंथ है, तो उसमें 1 radian ट्विस्टिंग जो है फॉर एग्जाम्पल वो 1000 Nm टॉर्क की एप्लीकेशन से प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सो वी कैन से दैट स्टील इज मोर रिजिड देन आयरन। ठीक है,
And these are the other requirement, the stresses. ठीक है, सपोज जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर एक शॉप है उसके ऊपर एक एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, सो हाउ मच स्ट्रेसेस विल बी प्रोड्यूस्ड, सो लोड डिवाइड बाय एरिया. ये तो सिंपल है. ठीक है, कितने शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड होंगे, सो देट आर द टॉर्क, रेडियस एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दीज आर द शियर स्ट्रेसेस. एंड रिमेंबर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पाई आर पोर डिवाइड बाई टू. ठीक है, इसको आप फिर डायमीटर में भी कन्वर्ट कर, प्रीवियसली हमने डिस्कस की. स्ट्रेंथ को आपने देखना होता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट. अगर एक शॉफ्ट है ना, उसकी उसके ऊपर थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसके ऊपर एक कांस्टेंट लोड अप्लाइड होता है, तो उसको उसका स्ट्रेंथ भी स्टेटिक होगा या कांस्टेंट होगा. ठीक है, और एक शॉफ्ट जो है मैक्सिममली कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, दैट इज फटीग स्ट्रेंथ. हर चीज का अपना एक स्ट्रेंथ होता है ना, एक ताकत होती है बियॉन्ड विच अगर आप उसके ऊपर लोड अप्लाई कर ले तो क्या होगा, वो फेल होगा. तो अगर एक शॉफ्ट है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लोड अप्लाइड होता है, तो उसका स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट होगा, उसका रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड लोड कांस्टेंट होगा. नाउ मैक्सिममली एक शॉफ्ट कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है विदाउट फेलेवर, दैट इज कॉल्ड द फेटीग स्ट्रेंथ ऑफ द शॉफ्ट. ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, याद रखें. नेक्स्ट क्लास से जो है फिर हम उसकी डिराइवेशन है या इक्वेशंस की या उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है वो करेंगे. लेकिन आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक शॉफ्ट है, वो उसका एक शॉफ्ट का पर्पस क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन. तो अगर एक शॉफ्ट पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसमें जो है बेंडिंग प्रोड्यूस्ड हो सकती है, उसमें टॉर्जन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, उसमें शेयर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका स्टेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फेटीग स्ट्रेंथ क्या होगा. तो ये सारे पैरामीटर जो हैं ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए. ठीक है, एंड अगेन ये आप किस तरह फाइंड करेंगे, एक शॉफ्ट के ऊपर कितना लोड अप्लाई हो रहा है, कितना टॉर्क उससे ट्रांसमिट हो रहा है, उसके डायमेंशंस कितने हैं, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उसकी कितनी है. तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन हो, देन यू कैन कैलकुलेट द बेंडिंग डिफ्लेक्शन, द टॉर्जनल डिफ्लेक्शन, द शियर स्ट्रेसेस, द टेंसाइल स्ट्रेसेस. ओके, ये सारी चीजें आप फिर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इन अ शॉप कैन फेल एज वी हैव डिस्कस्ड, डिफरेंट चीज से फेल हो सकते हैं ना. अगर बहुत ज्यादा लोड उसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है, लेटरल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस अगर हो जाए तो शॉक जो है वो बियरिंग से या व्हील से या पुली से निकल सकता है, दैट इज द लेटरल डिफ्लेक्शन. ठीक है, मीन एक्सियल ई ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है. दूसरा यह है कि इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस्ड हो सकती है, सो बेंडिंग डिफ्लेक्शन आ सकती है. अगर सर्कुलर मोमेंट उसमें प्रोड्यूस्ड हो जाए, टॉर्क उससे अगर ट्रांसमिट हो जाए, तो टॉर्जनल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है. इन बिटवीन द शॉफ्ट एंड अगर व्हील है या पुली है या गियर है, तो उनके दरमियान या फिर वियरिंग टियरिंग प्रोड्यूस्ड हो सकती है, फ्रैक्चर्स उसमें प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट मूड्स थ्रू विच अ शॉफ्ट कैन बी फेल्ड. एंड अगेन ये फेलियर कब आएगा, जब आप जो है उसके ऊपर एक्सेसिवली लोड या एक्सेसिवली टॉर्क सप्लाई कर ले और उसके मटेरियल जो है बेड क्वालिटी के हो, डायमेंशन जो है उसकी आप डायमीटर और लेंथ जो है या उसकी जो रेडियस है वो अगर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ना हो, तो फिर ये फेलियर काज हो सकते हैं. ठीक है, स्पिंडल साइजेस होते हैं मार्केट में शॉफ्ट्स के 25 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक अवेलेबल होते हैं. और नॉर्मली जो शॉफ्ट्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम दी लो कार्बन
या एलाई स्टील से बने होते हैं, निकल से बने होते हैं, क्रोमियम से, वेनेडियम से. अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, दैट विल बी डिपेंड ऑन योर रिक्वायर्ड पावर ट्रांसमिशन, कि कितना ट्रांसमिट करना है, कितना डिप्लेक्शंस और मोमेंट्स या स्ट्रेसेस जो है वो अलाउबल है. आल्सो कास्ट भी डिपेंड करते हैं. स्टील वाले जो शॉप्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस फिर ज्यादा होता है. ठीक है, सो ये हर एक पैरामीटर जो है ये आपने अल्टरनेटिवली कंसिडर करना है. ठीक है, और ये जो दूसरी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो डिजाइन होते हैं शॉप्स के, वो दो बेस पे हम करते हैं, एक स्ट्रेंथ बेस पे करते हैं और एक स्टिफनेस बेस पे करते हैं. ठीक है, मतलब ये होता है कि सपोज अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, देखिए डिजाइन आप कब करेंगे, आपने कुछ फोर्स ट्रांसमिट करना होगा ना, या आपने टॉर्क ट्रांसमिट करना होगा ना. तो सपोज अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने इतना टॉर्क ट्रांसमिट करना है, तो इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना है, तो आपके पास लेंथ आ जाएगा, कितना लेंथ आप शॉफ्ट आपको चाहिए. अच्छा, अब ये टॉर्क अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो इस टॉर्क से कितना टॉर्जन प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, कितने शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, कितना बेंडिंग उससे प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, कितना लेटरल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो सकता है इससे. तो उसके लिए आपको कितने डायमीटर का और कितने रेडियस का शॉप चाहिए होगा कि ये जो ट्विस्टिंग है और ये शियरिंग जो है ये रेजिस्ट हो सके. सो दैट इज डिजाइन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ. और एक है डिजाइन बेस्ड ऑन द स्टिफनेस. एक ये होता है कि सपोज अगर जिस तरह हमने डिस्कस की ना, अगर एक शॉफ्ट है तो उसमें अलाउबल डिफ्लेक्शन कितना है, 1/13,000 है. ठीक है, तो अब आपने इतना लेंथ और इतना डायमीटर सेलेक्ट करना है कि अगर इसके ऊपर ये लोड अप्लाई हो जाए और डिफ्लेक्शन इससे कम हो तो देट विल बी योर बेस्ट डिजाइन. तो देट इज डिजाइन बेस्ड ऑन द स्टिफनेस. ठीक है, तो ये दो कंसिडरेशन होते हैं या दो टाइप्स ऑफ डिजाइन होते हैं. सो टुडे वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द शॉप्स, कि शॉप्स क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसमें कौन कौन से पेलेवर्स आ सकते हैं. सो बेंडिंग डिफ्लेक्शन आ सकता है, टॉर्जनल डिफ्लेक्शन आ सकता है, उसमें शियर स्ट्रेसेस होते हैं, उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं या एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं,